हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाड़ी, आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो फिर पिछला वीडियो था जो कि डोपिंग के बारे में इंट्रोडक्शन, जो कि पढ़ाई किए थे विथ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो फिर इस वीडियो में इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। इन डिटेल एक्सप्लेनेशन किससे मिलेगा, जब किसका सेमीकंडक्टर्स का। यूजुअली सेमीकंडक्टर्स में क्यों डोपिंग का उपयोग या फिर यूज करते हैं, डोपिंग का मेन इंटेंशन क्या है। मेन इंटेंशन है कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। कंडक्टिविटी कब इंक्रीज होगा, तब कब होगा, एक टेट्रावेलेंट या फिर पेंटावेलेंट आटम्स जो फिर एक्सेप्टर या फिर डोनर आटम्स है ना, वो जब वो उनके अंतर या फिर उनके हेल्प से ही वो इम्प्रूव होगा, ठीक है, हर एक सेमीकंडक्टर्स में। क्यों, जैसे कि हम जानते हैं सर, जो कि होते हैं ट्राईवेलेंट होते हैं, पेंटावेलेंट होते हैं, लेकिन हमको, हम तो जानते हैं सेमीकंडक्टर्स में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फोर ही रहता है। जैसे कि जिसका है सेमी सिलिकॉन का, उसके बाद जर्मानियम का, वो सारा सभी का मेनली अप टू फोर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन इस डोपिंग का क्या ज़रूरत है। पहला मैं बोल चुका हूँ कि डोपिंग इज यूजली डन फॉर इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी, ओके। सो वाई इट इज ओनली यूज इन सेमीकंडक्टर्स, दैट आल्सो आई विल डिस्कस। ये खाली सेमीकंडक्टर्स में ही क्यों यूज होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इधर आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि ट्राईवेलेंट या फिर एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज कौन कौन है। एक है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडोनियम, ठीक है। वो क्या है, ट्राईवेलेंट में जाता है, जिसका थ्री है, ठीक है, थ्री वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद अगर ट्राई, इसीलिए हम उसको बोले हैं ट्राईवेलेंट, ठीक है। लेट मी टेक माय पेन, या इधर आप देख सकते हो, दीज आर ट्राईवेलेंट आटम्स, बिकॉज दीज आल्सो नोन एज एक्सेप्टर आटम्स भी हम बोल सकते हैं, या फिर एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज भी हम बोल सकते हैं बोरॉन को, एल्युमिनियम, गैलियम एंड इंडोनियम। उसके बाद पेंटावेलेंट जो कि डोनर आटम्स है, जो कि डोनेट करता है, एक्सेप्ट हो है, एक्सेप्ट करता है, डोनेट करता है, कौन कौन, एक है फॉस्फरस, आर्सेनिक, एसपी एंड बिस्मत समथिंग, ओके। सो मोर इफेक्टिवली टूवर्ड्स सिलिकॉन, सिर्फ ये दोनों का मेन इंटेंशन रहता है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत 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 ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें, वो है सिलिकॉन में, ठीक है। सिलिकॉन का मेन इंटेंशन है किसके साथ, ट्राईवेलेंट एंड पेट्रावेलेंट, ट्राईवेलेंट एक्सेप्टर आटम, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज के लिए, और पेंटावेलेंट डोनर इम्प्यूरिटीज के लिए। किसमें यूज होता है, सिलिकॉन में यूज होता है, जो कि सेमीकंडक्टर है। कौन कौन सा आटम यूजली डोपिंग होता है, ट्राईवेलेंट या फिर एक्सेप्टर करने के लिए, या फिर डोनेट करने के लिए, एक है बोरॉन या फिर फॉस्फरस, ठीक है। अगर देख सकते हो वाई, क्यों हम डोनेट करते हैं, क्यों पेंटावेलेंट ट्राईवेलेंट लेते हैं, एक है इट इज प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज प्योर सेमीकंडक्टर्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज टू द प्योर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर्स में ऐड होने के लिए ही हम इम्प्यूरिटीज का यूजुअली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद डोपिंग इंक्रीजेस कैरियर कंसेंट्रेशन, जो कि मैं बोला डोपिंग इंक्रीजेस व्हाट, कैरियर कंसेंट्रेशन, ठीक है। कैरियर कंसेंट्रेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, कौन कौन करता है, वो है यूजुअली सेमीकंडक्टर्स, जो कि कैरिंग डोपिंग इंक्रीज करता है, ठीक है। कौन करता है, डोपिंग इंक्रीज करता है, ठीक है। इधर देख सकते हो कंडक्टिविटी या फिर रेंजेस, ठीक है, 1:10^6 और 1:10^6 और 1/10^6, ठीक है। सो दिस इज हाउ द डोपिंग इंक्रीजेस, डोपिंग लेवल ऑफ सेमीकंडक्टर, ओके। सो देन आफ्टर स्टैंडर्ड डोपिंग कंसेंट्रेशन, स्टैंडर्ड डोपिंग कंसेंट्रेशन कितना मीन्स कितने में कितना लेने से कितना हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं 1 किलो का हम चीनी खरीदते हैं, शुगर खरीदते हैं, तो फिर वो मापता है, क्योंकि उनका इफेक्ट होगा, क्योंकि वो किससे माप कर लाया था, इतना केजी में इतना रुपीस देना है, तो फिर अगर थोड़ा कुछ इधर उधर हो गया तो फिर उसको ही लॉस है, तो फिर इसीलिए वो क्या करता है, अपना फ़ायदा के लिए ही सोचता है, ठीक है। तो फिर इन द सिमिलर फैशन इन सेमी कंडक्टर ऑल्सो देर इज सर्टेन कंसेंट्रेशन लेवल, ठीक है, एक सर्टेन कंसेंट्रेशन लेवल में ही डोपिंग का क्या यूज होता है या यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए इधर आप देख सकते हो मॉडरेट डोपिंग, हाईली डोपिंग एंड लाइटली डोपिंग एंड हाईली और हैवीली डोपिंग। सो इधर देख सकते हो मॉडरेट डोपिंग में, मैं नोट करके आपको प्रस्तुत किया हूँ नोट्स, इधर आप देख सकते हो
सॉरी सो 1:10^6 to 1:10^8 तक यूजुअली डोपिंग रहता है, ठीक है, किसका, मॉडरेट डोपिंग का, ठीक है, मॉडरेट डोपिंग का इतना से इतना तक रहता है। उसके बाद हाईली डोप्ड कितना से कितना बीच में रहता है, किसके किसके बीच में रहता है, वो है 10^11 उसके, ओके ओके, लाइटली डोप्ड जो कि हैवीली डोप्ड है 10^3, ठीक है, 10^3 का मतलब पता चलता है ना, माइनस में आता है, ठीक है। उसके बाद इधर देख सकते हो द मिनिमम डोपिंग मेजर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर टू एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। इधर आपको पता चल गया क्यों हम डोपिंग का यूजुअली एक्सेप्ट करते हैं, कितना पेंट्रावेलेंट ऐड करने से, या फिर डोनर जो कि ट्राईवेलेंट है, डोनर या फिर डोनर कौन है, डोनर है पेंटावेलेंट और एक्सेप्टर कौन है ट्राईवेलेंट, तो ट्राईवेलेंट एंड पेंटावेलेंट हम क्यों यूज करते हैं, ए वाला पॉइंट से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ए वाला पॉइंट क्या कहता है कि द मिनिमम डोपिंग रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर इंटू एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर इज 1:10^8 1:10^8 क्यों हम करते हैं इन डोपिंग, वो है मिनिमम डोपिंग रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायर्ड है वो एक्सट्रेंसिक से इंट्रेंसिक करने के लिए या फिर इंट्रेंसिक से एक्सट्रेंसिक करने के लिए, ठीक है, यही इसका मेन इंटेंशन यही है, ठीक है। कितना कितना लेवल में होना चाहिए इंट्रेंसिक का, कन्वर्ट फ्रॉम इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर से लेकर एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर तक कितना यूजुअल डोपिंग कंसेंट्रेशन रहना चाहिए, वो है 1:10^8, ठीक है, 1:10^8 रहना चाहिए, ठीक है। विथ 1:10^8 डोपिंग इन जर्मानियम जो जिसका कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बाय 12 times, 10^8 में डोपिंग कंसेंट्रेशन इन जर्मानियम में कितना इंक्रीज हो सकता है कंडक्टिविटी, वो है 12 times इंक्रीज होता है। अगर 7 में डोपिंग लेवल जर्मानियम में कंडक्टिविटी कितना इंक्रीज होता है, मोर देन 10 times ऑफ दैट, इसका 10 times इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो फिर आशा है कि आपको समझ आ गया होगा यूजुअली हम डोपिंग क्यों करते हैं, पेंटावेलेंट ट्राईवेलेंट किस लिए करते हैं, ट्राईवेलेंट में क्या होता है, पेंटावेलेंट में क्या होता है, एक्सेप्टर किससे बोलते हैं या फिर डोनर किससे बोलते हैं, एक्सेप्टर में कौन आता है, बोरोन आता है, डोनर कौन आता है, फॉस्फरस आता है, ठीक है, डोनर में क्यों आता है, डोनर क्यों आता है, उसका 5 valence है, वो 2 दे देगा, एक्सेप्टर क्यों आता है, वो 3 है, वो 1 लेगा, ठीक है, वो सारा वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो फिर आई होप दैट यू विल डेफिनेटली यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग रिलेटेड टू इंट्रेंसिक करियर नॉट डोपिंग डोपिंग लेवल एंड 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 3 types ऑफ डोपिंग ऑल्सो यू हैव स्टडी। 3 मेन डोपिंग लेवल हम पढ़ाई किए हैं, एक है हाईली डोप्ड, मॉडरेट डोप एंड लाइटली डोप्ड, ओके। सो these all things plays a very important role in your basic examination, each and every examination, not only basic examination that is GATE and ECS, but it also applicable for your semester exam too. So ये applicable होगा optional जो भी लेते हैं UPSC IAS के लिए, जो भी optional electronics लेते हैं उनको लिए भी ये यूजफुल होगा, ठीक है। तो फिर आशा करता हूँ कि आप सब खुश है, आई होप दैट यू विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशन टूवर्ड्स द ट्राइबल यूथ एंड दिस इज अ मिशन एंड ट्राई टू कम्प्लीट द मिशन बाई यूर डेडिकेशन डिटर्मिनेशन एंड पर्स्यूरेंस। सो एट लास्ट आई वॉन्ट टू से सम वर्ड्स विच इज देर इन द इन इन द संस्कृत श्लोका, आई कैन से दैट गुणा गुणज्ञ सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्त भवन्ति दोषः अस्वादतोय प्रवहन्ति नद्या समुद्रमासाद भवन्ति पेय। इसका मतलब क्या है यार, जैसे कि हम जानते हैं कि जो कि नदी है ना, रिवर्स, रिवर्स हमको क्या देता है, ड्रिंकेबल वाटर देता है। जब वो एक समुद्र या फिर सी में या फिर ओशियन में मिल जाता है, वो क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है या फिर साल्टी बन जाता है। तो फिर वो साल्टी नहीं करने का हमको एक रिवर को स्टॉप, मीन्स रिवर का मेन इंटेंशन होता है प्रोविजन ऑफ फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर किससे मिलेगा, बेस्ट एजुकेटर जो कि बेस्ट एजुकेशन प्रोविजन करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कौन वो है, यूट्यूबर्स और एजुकेशनलिस्ट और एजुकेशनल चैनल इन यूट्यूब। तो आई होप दैट यू विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट फॉर द एजुकेशन ऑफ रूरल यूथ।
below in the description I have provided everything. Okay, you can have your some contribution there itself. Thank you.